एक और बड़ा ही प्यारा सृजन महामाई का। अचल कहना है क्या कि पन फूला ने बता भेज वलिए मैया। क्या पहले लोग घर घर जाके निमंत्रण देते थे, चाहे शादी हो चाहे मरनी हो, लोग दूर दूर तक घर में जाते थे। कोई मर जाता था तो इंतजार करते थे कि लोग आएंगे। शादी होता था तो लोग कार्ड लेके जाते थे, और अब तो वो परंपरा खत्म हो गई। कम से कम कार्ड के साथ आधा किलो लड्डू जरूर आता था, आता था कि नहीं? आजकल फोन का जमाना हो गया, फोन उठाए भैया आज मेरे ये हैं आपको आना है। पर कहते हैं ना कि हम अपनी परंपरा खुद बनाते हैं और खुद बिगाड़ते हैं। हम अपनी परंपरा खुद बनाते हैं और खुद बिगाड़ते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में किसी को टाइम नहीं है। पर कहते हैं ना कि हम बदल सकते हैं, महामाई बदल नहीं सकती। तो सुनिएगा बड़ा प्यारा सा, माँ को हम लोग दुर्गा पूजा का न्योता देते हैं और कहते हैं क्या कि पन फूला ने बता भेज वलिए मैया। कि पन फूला ने बता भेज वलिए मैया, ए माई हो बुलवलिए मैया। मई हो घरे हमरा तो बुलवलिए मैया। बोलिए लाल चिकनिया वालों की बोलिए। अभी जैसे डांस शुरू होगा आप लोगों को खूब एनर्जी आ जाएगी। क्या सही बोल रहा हूँ? सच मगर कड़वा है। एनर्जी खुद ब खुद उन लोगों को देख के आप लोग आ जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा जो अच्छी नियत लेके वो हाथ उठाए, हाँ जो बुरी नियत लेके नहीं उठाई, हाँ बुरी नियत लेके आए हैं आप लोग। आप लोग अच्छी नियत लेके आए हैं तो उठाइए जरा हाथ। अगर अच्छी नियत लेके आए तो उठाइए जरा। दरबार में इधर जितने बैठे जो जो अच्छी नियत लेके आए जरा उठाइए हाथ। हाँ इधर वाले आप लोग अच्छी नियत लेके आए हैं या बुरी नियत लेके आए हैं? अच्छी नियत लेके आए हैं तो बोलिए लाल चुनरिया वालों की, बोलिए महामाई की। और
कि छप्पन गो भोग वाला गवलिए मैया, छप्पन गो भोग वाला गवलिए मैया। ए माई हो, ए माई हो, ए माई हो, ए माई हो, बोली मैया विष्णु रानी की, बोली लाल चंद्रिया वाली की।